प्रोसिक्यूशन का कारण ईस्ट पाकिस्तान मीन्स अभी जो बांग्लादेश है वहां से जो लोग आए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिले और ये बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो और उसी के लिए ही आसाम में 6 मार्च 2017 निश्वास ने रैली एंड पब्लिक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था। तो हम रिटरेट कर रहा हूँ कि अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टिल एक्टिव है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था आसाम में वहां का जो लोग मिसअंडरस्टैंड किया था कि सुबोध विश्वास वहां पे जाके कोई असमिया सेंटिमेंट का अगेंस्ट में कोई बातें किया है, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। वी आर रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ ऑल द पीपल वायर एवर दिस पीपल आर रिसाइडिंग। तो अभी कोर्ट से उनको बेल मिला है तो डेफिनेटली हमें बहुत बड़ा राहत है कि जस्टिस मिला है और ट्रायल में भी पूरा उम्मीद है कि हम लोग प्रूव टू बी इनोसेंट। और उनको वेलकम किया जाएगा उनके जो होम टाउन है, होम सिटी है नागपुर में, और क्या वहां पर मीटिंग की जाएगी ताकि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फिर उनके लीडरशिप में परसू किया जा सके? हाँ, वेलकम एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए उन्होंने वहां पे किया और विक्टिम हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से जो हुआ इतने दिन उनको जेल पे बिताना पड़ा और उसके लिए इतना बड़ा उनका जो सफरिंग हुआ है तो हम उनको डेफिनेटली वेलकम करेंगे क्योंकि ऐसे भी पर्सनल रीजन के लिए तो नहीं है ना, तो किसी के खिलाफ कोई उनका कोई एलिगेशन है, एक डिमांड था, उस डिमांड के लिए गवर्नमेंट का पास गवर्नमेंट को ये बात बताने के लिए कि सिटीजनशिप बिल शुड बी पास एंड द पीपल दोज आर नाउ इन द सेल और डिटेंशन सेल सो दे शुड बी रिलीज्ड, गवर्नमेंट शुड लुक इन टू इट एंड इनको रिलीज करने के लिए जितने स्टेप्स लेना चाहिए ले, क्योंकि वहां पे जो बच्चा जो है उनका तो कोई राइट नहीं है, उनका जो जो ह्यूमन राइट्स का सारा वायलेशन हो रहा है और वो कौन देगा आफ्टर 5 ईयर्स और 3 ईयर्स वो बाहर आकर के बच्चों को एजुकेशन डिप्राइव हो रहा है, उनका अपब्रिंगिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, दिट शुड बी लुक्ड इनटू। लेकिन सुबोध विश्वास को असम में जो सपोर्ट मिलना चाहिए था सपोर्ट नहीं मिला, उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि आप बता रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लेकिन आसू का जो ऑफिस है उसमें राइटिंग हुआ था जिसमें एलिजिबली सुबोध विश्वास इन्वॉल्व थे, क्या मानते हैं वो सपोर्ट गार्नर कर पाएंगे अभी भी आपके जो इश्यू है उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सुबोध विश्वास तो वहां पे राइटिंग किया नहीं है और उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है दिस इज द एलिगेशन, ये तो प्रूव हुआ नहीं है और मैटर ऑफ ट्रायल है, नाउ द कोर्ट विल डिसाइड वेदर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस एज द एलिगेशन इज लेफ्ट अगेंस्ट हिम, सो दैट इज द मैटर ऑफ ट्रायल, नाउ द ट्रायल अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कम्प्लीट होने में तो डेफिनेटली द कोर्ट विल डिसाइड ऑन दैट इशू, तो उसमें तो हम कोई कॉमेंट नहीं करना चाहते हैं। सपोर्ट बेस सपोर्ट भी देखिए वहां पे एक 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 अनसर्टेनिटी जो चल रहा है एनआरसी को लेके भी लोग बड़ी परेशान हैं, लोग काफी टेंशन में हैं क्या होगा, बहुत सारा इश्यूज है, इतना गरीब लोग हैं, बहुत सारा लोग जिनका नाम नहीं है उनके लिए तो प्रॉपरली तो कोर्ट में इश्यूज को ले आना भी वेरी डिफिकल्ट है ना, बहुत सारा इश्यूज है, डिस्प्यूट ये है कि फादर का है बेटा का नहीं है, और वन इम्पॉर्टेंट इश्यूज आपको बताता हूँ अभी, सो आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू रेज दिस इश्यूज। देखिए ये है कि एनआरसी में उनको नाम आएगा जो 1971 से पहले आए हैं, लुक टिल 1971 जो आए हैं उनको एनआरसी में नाम रहेगा और जो बाद में आएंगे उनको नाम नहीं रहेगा। नाउ जो आदमी 1971 का बाद आए हैं फॉर लास्ट 40 ईयर्स ही इज रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ असम आफ्टर 1971 आई एम टॉकिंग अबाउट, उनका बच्चा हुआ बेटा बेटी शादी किया है बच्चा भी हुआ है
तो टिल 1987 जो बच्चा बॉर्न हुआ वो तो इंडियन सिटीजन हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1987। सो 1987 एक्ट ये कहते हैं द पर्सन दोज आर बॉर्न टिल 1987 इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द 2000 एक्ट 1987 सिटीजनशिप एक्ट सो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ना उनका फादर जो 1972 में आए हैं 1972 या 1973 में आए हैं ही कैन नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बट हिज सन और डॉटर्स बाय वर्च्यू ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1987 दे आर बॉर्न टिल 1987 दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ फादर विल नॉट बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया बट हिज चिल्ड्रेन कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी बिग फ्रिक्शन इन दिस टू एक्ट। ऐसा बहुत सारा है लेकिन अब मुद्दा ये है सुबोध विश्वास अभी जेल से बाहर हैं उनके लीडरशिप में आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे कैसे मुद्दे को ले जाएंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यही है असम में काफी ज्यादा एप्रीहेंशन है सुबोध विश्वास को लेकर तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए एप्रीहेंशन ही वुड बी रिमेन द लीडर क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव ऑल ओवर इंडिया में लिया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो तो उन्होंने उनके अगेंस्ट में एलिगेशन है वो एलिगेशन है नाउ डिसाइडेड बाय द कोर्ट नाउ ही वुड बी रिमेन आवर लीडर स्टिल और हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के जो डिमांड है हमने गवर्नमेंट का पास फिर भी उसको रिटरेट कर रहा हूं। वी अपील टू द गवर्नमेंट कि ये वेरी मानवीय ग्राउंड है और जो 30 साल 40 साल हो चुका है ये कहां पे आप भेजेंगे रिलीजियस पर्सिक्यूशन कारण से आए हैं सो इट्स नॉट इजी टू डिपोर्ट दिस पीपल और रिलीजियस पर्सिक्यूशन के कारण से तो फिर वहां पे जा भी नहीं सकता। और नॉट ओनली दैट एनआरसी में और भी कुछ जो प्रॉब्लम है कि बहुत सारा जो 71 से पहले है दे हैव द डॉक्यूमेंट बट दे कुड नॉट प्रॉपरली परस्यू देयर केस ये उनका जो डॉक्यूमेंट्स है सो दे आर ऑल्सो रिमेन लेफ्ट आउट ऑफ दिस एनआरसी तो ये भी एक बहुत बड़ा सिचुएशन है। तो हम गवर्नमेंट के पास अपील करेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टिल इस चीज को लेकर के उठाएंगे गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे कि इसको सुधार हो। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है हमारा कोई जो सुबोध विश्वास के बारे में या निर्वास के बारे में जो वहां पे इश्यूज दिखाया है डिस्प्यूट दिखाया है बिल्कुल कोई डिस्प्यूट नहीं है हम तो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और नागपुर में जो रैली प्लान कर रहे हैं सुबोध विश्वास जी वहां पे एड्रेस करेंगे लोगों को उनके सपोर्टर्स को। देखिए नागपुर तो उनका घर है और उनके घर पे रहेंगे और हम लोग जो सेंट्रल कमिटी का एक मीटिंग बुलाया है कि इतने दिन से सुबोध विश्वास वहां पे थे उनका परिवार को बहुत सारा सफरिंग्स हुआ है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है मेडिकल में भी है तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग सबको बुलाए हैं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ हमारा स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट को साथ में कैसे हम इसको डिमांड जो है हम जो पहले से करते आ रहा हूँ सो हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस और जो कमिंग डेज में व्हाट वुड बी आवर स्ट्रेटेजी बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन सो दैट हैज टू बी डिस्कस्ड वाइडली अमंग दिस सेंट्रल कमिटी मेंबर्स देन व्हाट वुड बी द डिसीजन देन डेफिनेटली आई कैन लेट यू नो दैट दिस इज द डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन बट राइट नाउ बींग सिंगली आई कैनॉट से दैट व्हाट वुड बी द डिसीजन सो बट डेफिनेटली आई अपील अगेन टू द पीपल ऑफ असम दैट दिस इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड जो एलिगेशन जो लगाए थे कि शहीद बेदी को ऊपर भूपेन हजारिका को ऊपर भूपेन हजारिका तो हमने पूजा करते हैं हम लोगों ने हर एवरी बंगाली रिस्पेक्ट एंड एवरी बंगाली लव भूपेन हजारिका सो मच एंड दिस काइंड ऑफ एलिगेशन इज रियली इज वेरी पेनफुल फॉर अस टू बियर दैट दिस काइंड ऑफ एलिगेशन वी आर पुटिंग दैट हाउ कैन ए पर्सन रिमोटली थिंक दैट वी शैल असॉल्ट और टू द स्टैच्यू ऑफ भूपेन हजारिका he was much respected and now still he is just like a god in our heart so bahut bada misunderstanding hai I also appeal to the media ki please you just take the initiative so as to this is the bridge this gap between Assamese and Bengalis ye hamare liye future ke liye bhi bahut kharab hai aapke liye bhi shay nahi hai hamare liye bhi shay nahi hai we love sabko hum pyar hai और आई ऑल्सो अगेन अपील टू द मीडिया कि आप इस चीज को अच्छे से उठाएं कि इस तरीके का
प्रोपेगेंडा प्लीज ना करें. थैंक यू.